सहारा इंडिया परिवार के मुखिया सुब्रत राय सहारा की मंगलवार रात मौत हो गई। लंबी बीमारी के बाद सहारा श्री ने मुंबई के अस्पताल में अंतिम सांस ली। सहारा श्री के निधन के बाद सहारा के लाखों निवेशकों के मन में बस एक ही सवाल उठ रहा है कि अब उनके पैसों का क्या होगा, क्या सहारा में फंसा पैसा उन्हें अब मिल पाएगा, सुब्रत राय सहारा की मौत के बाद क्या उनका पैसा भी डूब जाएगा, आखिर निवेशकों के पैसों का क्या होगा। आपको बता दें कि सुब्रत राय सहारा के निधन से रिफंड की प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी। केंद्र सरकार ने हाल ही में सहारा के निवेशकों को उनका डूबा पैसा वापस दिलाने के लिए पोर्टल लॉन्च किया है, जिसकी मदद से सहारा निवेशकों को उनकी निवेश की गई राशि वापस दी जा रही है। केंद्र सरकार ने कुछ महीने पहले ही सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया था। सहारा श्री की मौत से इस रिफंड प्रोसेस पर कोई असर नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2012 में सहारा निवेशकों को राहत देते हुए उनके पैसे ब्याज समेत वापस करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का लाभ लगभग 3 करोड़ निवेशकों को मिलेगा। कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने सहारा रिफंड पोर्टल यानी कि www.mocrefund.crcs.gov.in लॉन्च किया। इस पोर्टल के जरिए सहारा के निवेशकों को उनका पैसा वापस किया जा रहा है। सहारा ग्रुप के 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी में सहारा के निवेशकों का पैसा फंसा है। निवेशक सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए आवेदन कर अपना रिफंड वापस पा सकते हैं। रिफंड के लिए निवेशकों को केवल ऑनलाइन ही क्लेम करना होगा। जरूरी कागजात और रसीद अपलोड करनी होगी। वेरिफिकेशन के बाद निवेशकों को उनका रिफंड मिल रहा है। सरकार निवेशकों को किश्तों में पैसा वापस कर रही है। क्लेम की पूरी प्रक्रिया निशुल्क है। अगर निवेशक को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आती है तो वो टोल फ्री नंबरों 1-800-103-6891 या 1-800-103-6893 पर संपर्क कर सकते हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।